everyone, welcome back to our channel. So this is Q&A video part 2. Thanks for all your questions. हमने mention किया था कि थोड़े fun questions आएं. उतने fun questions तो नहीं आए क्योंकि ज़्यादातर questions मम्मा के लिए हैं. But let's get to the video and see कैसे questions आए हैं. So let's see the first question. First question is Deeksha Banyal. Where are you from? Himachal Pradesh. Yeah. ये video में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि we belong to Himachal Pradesh. Second question. Second is by Rachna Srivastav. How do you react when she shouts, "Mama, T-shirt नहीं मिल रही" और उस समय आप किचन में busy हो? इसका आंसर मैं दूंगी. जब मैं मम्मा को ऐसे बुलाती हूँ, उनको मतलब आवाज लगाती हूँ, मैं ऊपर होती हूँ generally और मम्मा नीचे हमारी किचन है, तो मैं उनको आवाज लगाती हूँ, तो वो ऐसे behave करती है जैसे वो है ही नहीं घर में. She just ignores me completely. वो नीचे सबकी बातें सुनते रहते हैं कि हाँ सब क्या बोल रहे हैं, पर मैं बुला रही थी, मेरी बात ही नहीं सुन रहे होते. एंड देन मुझे नीचे जाना पड़ता है, मम्मा को हिलाना पड़ता है कि मम्मा मैं आपको बुला रही थी, मेरा ये वाला ड्रेस या मेरा ये वाला टी शर्ट कहाँ है. और उसका रीज़न यही होता है कि चीज़ वहीं पड़ी होती है, लेकिन क्योंकि हमेशा इनको जल्दी होती है तो वही चीज़ जहाँ पड़ी होती है वो इनको नहीं मिलती, तो मुझे कैसे मिल जाती है. आई थिंक माई क्लोथ आर बायस टू. हाँ या मैं बहुत ढूंढती हूँ पर वो मुझे मिलती नहीं है वहाँ पे, और फिर उनको मिल जाती है. हाँ मिल जाती है. तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम वाइजली ढूंढते हैं, हम एक्चुअली ढूंढना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं चीज़ कहाँ पड़ी है, ये देखना नहीं चाहते, इनको जल्दी होती. नेक्स्ट है बाय हैंग आउट विद अरुणा. हाय, क्वेश्चन इज टू योर डॉटर. सॉ अ व्लॉग अबाउट योर 12th स्टडी एग्जाम्स. What were your results? What are you studying now? I ask as I also have a daughter the same age. So hi. तो मैं हमारी इसके बारे में वीडियो भी है चैनल पे, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे. बट मैं यहाँ भी बता देती हूँ कि मेरे 91% आए थे 12th बोर्ड्स में, और अभी करंटली आई एम डूइंग BCom विद CA. सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ ऐसे क्वेश्चन थे कि आपके अपने बच्चों से फ्रेंडशिप इतनी अच्छी कैसे है, बॉन्डिंग अच्छी कैसे है, कुछ पेरेंटिंग टिप्स दीजिए, हमारे बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो उनको कैसे डील किया जाए. तो ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, उनका आंसर जो है वो एक ही उसमें मैंने कर दिया है. तो ये सारे क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि आज रिलेशन जो है वो बिखरते जा रहे हैं. छोटी एज में ही बच्चे मिसबिहेव करना शुरू कर देते हैं, समझ ही नहीं आता कि किस सिचुएशन में बच्चे के साथ कैसे डील करें. फर्स्ट रीजन फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स इज टाइम, एंड सेकंड इज कंपैरिजन एंड क्रिटिसिज्म. लाइफ बिकम्स अ रेस, और इस रेस में पीछे क्या छूट रहा है वो देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है. मेरे बच्चों के साथ मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि शुरू से ही हमारे बच्चे हमारी प्रेफरेंस रहे हैं. आई क्विट माई करियर फॉर माई चिल्ड्रन, आई गिव मैक्सिमम टाइम ऑफ माई लाइफ टू देम. और ये सब इसलिए नहीं कि मुझे रिटर्न में उनसे कुछ चाहिए, बट क्योंकि वो मेरा अंश है और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको एक स्ट्रांग और डिसिप्लिन लाइफ देना. तो सब पेरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस यही है कि नेवर कंपेयर एंड क्रिटिसाइज योर चाइल्ड. सेकेंड चीज़ कि उनको टाइम दें, चाहे आप जितने भी बिजी हैं अपने वर्किंग आवर्स में भी एटलीस्ट हाफ एन आवर जरूर निकालें, कुछ उनकी सुने कुछ अपनी सुने. वीकेंड्स पे गिव मैक्सिमम टाइम टू देम. देर नहीं हुई है, स्टार्ट फ्रॉम टुडे. एक वीडियो भी है हमारी रिलेशनशिप के ऊपर, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है तमन्ना वारवल. टीनेज या एडोलेसेंट एज में जो अट्रैक्शन हो जाती है उससे कैसे खुद को बचाएं? तो ये चीज़ काफ़ी नॉर्मल है, जब आप नए एंटर होते हो टीनेज में तो ऐसा सब होता है. बट जब आपको पता है कि आपका एक गोल है और आपको पता है आपका एक स्ट्रॉन्ग फर्म डिसीजन है उसको लेके, तो आप खुद ही रिलेशनशिप्स की तरफ नहीं जाते हो. बट अगर आपको फिर भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं रिलेशनशिप के साथ में अपने गोल को मैनेज कर लूँगी और अपने रिलेशनशिप को ओवरपावर नहीं होने दूँगी अपने गोल पे, सो आप इसमें जा सकते हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट आपको मैनेज करना आना चाहिए. बाकी हर एक चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, चाहे जब मर्जी. और इन सब के लिए एक मैच्योर एज होती है, क्योंकि ये चीज़ डिसीजन जो है बहुत मैच्योरली लेने पड़ते हैं. और ये फ्रेंडशिप करना कोई बुरी बात नहीं होती है, बट यू शुड नो कि आपके लिमिट्स कहाँ पे हैं. और बाकी ऐसी मदर चाहिए आपको जो हर आपको हर स्टेप पे गाइड करते रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विप्रिया 79IFY. मैडम प्लीज शेयर योर एनर्जी सीक्रेट एंड हाउ टू बी एनर्जेटिक द होल डे. गुड क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ये है कि एनर्जी जो है वो मिलती कहाँ से, सोर्स क्या है हमारी एनर्जी के. तो फूड, वाटर एंड ब्रीदिंग के अलावा जो हमें एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमारी फैमिली के लव एंड सपोर्ट से.
इतनी एनर्जी फिजिकल एक्टिविटी से डिप्लीट नहीं होती है जितनी स्ट्रेस लेने से होती है. तो बीवेयर फ्रॉम नेगेटिव पीपल एंड नेगेटिव सिचुएशन. सोर्स ऑफ माय एनर्जी इज हेल्दी डाइट एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद माय फैमिली. सो टू बी एनर्जेटिक ऑल द टाइम यू नीड टू बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशंस. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय लकी किंगर. हाउ डज जैस्मिन रिएक्ट व्हेन यू अलाउ हर टू ईट जंक फूड और यू डोंट ऑर्डर. डोंट अलाउ होगा, नॉट अलाउ. अलाउ अलाउ ही लिखा है. और डोंट कुक फॉर हर गुड हेल्थ. जैस्मिन को पता है कि मैं इग्नोर करती हूँ इन सब चीज़ों को. जब भी मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही है, उसको क्रेविंग हो रही है कुछ खाने की, तब मैं उसको मना नहीं करती हूँ. तब मुझे पता है कि उसको चाहिए ही चाहिए वो, तो मैं उसको बना के भी दे देती हूँ. बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसको पता है कि मैं मना करती हूँ कि बेटा नहीं, आपने ये नहीं लेना है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़िद कर दी. कई बार उसका रिएक्शन यही होता है कि प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ मम्मा, प्लीज़ मम्मा, और ये बोलती रहती है. उसके बाद फिर हम रिजॉल्व कर लेते हैं कि कब कैसे. और मेरा इतना प्लीज़ करने के बाद भी कुछ नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मनदीप कौर. हाई डियर, अब मेरी डॉटर भी मुझे फॉलो करती है. अगर मैं मना करती हूँ वो कंपैरिजन करती है. शी वॉन्ट्स टू यूज़ ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाइक लिप ग्लॉस, काजल. शी इज़ इन 9th स्टैंडर्ड. कभी तो मैं अलाउ कर देती हूँ, इज इट राइट? किसी भी चीज़ को मना तब तक ना करें जब तक कि आपको ये ना लगे कि बच्चा खुद को हार्म कर लेगा. योर डॉटर इज़ नाउ इन टीन एज, उसे अपना ख्याल खुद रखने दें. एंड लिप ग्लॉस लगाना या काजल लगाना इज़ नॉट अ बिग थिंग. हर डू इन फ्यूचर कीप योर सेल्फ इन हर प्लेस, देन मेक डिसीजन फॉर हर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपूर्वा यादव. On camera, you're always friendly with Jazz. How have you disciplined your children? Do you get angry with them at times or you just talk it out? It depends on situation actually. जब मुझे लगता है कि यहाँ पे इस सिचुएशन में चुप रहना ही बेटर है तो वहाँ मैं चुप रहती हूँ. जब मुझे लगता है कि उनको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है, then I prefer to talk to them. और ईगो जैसी कोई भी चीज़ मुझ में या मेरे बच्चों में नहीं है. So we resolve things very quickly. So next question है सरवात अफशान खिलजी. Hi ma'am, could you please advise about how to be confident and interactive while meeting new and extended family members? It's easy to be interacting and having fun with friends, but when it comes to a thought of entering into a new family, as my parents are looking matches for marriage, I get little nervous. Please advise. Hi सरवात, first of all congratulations, आप एक लाइफ के न्यू फेज में एंटर करने जा रहे हैं. न्यू फैमिली से इंटरेक्ट करते वक्त थोड़ी नर्वस होना इज ऑब्वियस, और जब बात शादी को लेकर आती है तो लड़का लड़की दोनों ही नर्वस होते हैं, विच इज़ ए कॉमन थिंग. तो बस इतना कहूँगी कि रियल रहो, कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है. जब भी हम फेक कुछ कहते हैं या करते हैं तो हमें अप्रोप्रिएट वर्ड्स नहीं मिलते हैं, और रियल पीपल को कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट होते हैं. तो जब भी बात करें नज़र से नज़र मिला के बात करें और पूरे कॉन्फिडेंस से बात करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वीटी शारदा. हाय शेप ऑफ योर लाइफ. हाय. सो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम कुछ ही क्वेश्चंस आंसर करेंगे. हाँ, क्योंकि 7 to 8 क्वेश्चंस हैं शायद ना, तो काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर तो आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएंगे. बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो हम ले रहे हैं. सो दिस क्वेश्चन वॉज इन माई माइंड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. योर फैमिली इज नॉन वेजिटेरियन एंड योर इन लॉज आर वेजिटेरियन. हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मेरे जो इन लॉज हैं वो वेजिटेरियन हैं. एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ वेजिटेरियन हैं, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं. तो बाकी सब फैमिली हम खाते हैं नॉन वेज, सिर्फ मेरे मदर इन लॉ नहीं खाते हैं. Where do you live in? Punjab or where? We live in Chandigarh. So next question है Israel Ansari. Your daughter is doing well in studies. Give us also some tips. Give some tips, baby. So tips तो as such कुछ नहीं होते, बस यही होता है कि जितनी देर भी आप पढ़ाई करें वो full concentration से करें. Because in all quantity of time matter नहीं करता, quality of time matter करता है. बाकी यही होता है कि ज़्यादा ज़्यादा रिविजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें उन चीज़ों की. और आपकी जो आपको कॉलेज में करवाया जाता है, सॉरी, जो आपको कॉलेज में करवाया जाता है उसको डेली आके ये रिवाइज करती है. बाकी जो आपकी गाइडेंस हो, चाहे वो आपकी कोचिंग की गाइडेंस हो या फिर आपके स्कूल या कॉलेज में गाइडेंस हो, वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. और आपको अप्रोप्रिएट गाइडेंस मिलनी चाहिए अप्रोप्रिएट टाइम पे. और बाकी ऐसे पेरेंट्स का सपोर्ट होना चाहिए. और अगर मैं स्पेसिफिकली इंग्लिश की बात करूं तो जैसे मैंने इंग्लिश की है, मैं करती थी कि मैं अपनी मैम से आंसर डिस्कस करती थी
और मैं इंटरनेट से आंसर देखती थी और मैं फिर खुद का भी आंसर सोचती थी, मतलब चैप्टर पढ़ने के बाद, और फिर तीनों आंसर्स को क्लब करके मैं एक आंसर बनाती थी ताकि वो थोड़ा इफेक्टिव भी लगता है उससे, और अगर आप एग्जाम में उसे लिखते तो वो थोड़ा इम्प्रेसिव भी होता है। तो आपको अपने राइटिंग पे काम करना चाहिए, और बाकी यही है कि प्रैक्टिस करते रहो यार, अच्छा हो जाता है पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्री काला कनाड़े। हेलो मैम, डज योर किड्स हेल्प यू इन किचन और एनी अदर हाउस वर्क? हाउ डू यू इनकरेज देम टू हेल्प यू? आज का जो स्टडी सिस्टम है बच्चों का वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, इतना कंपटीशन है, हर जगह एक रेस लगी हुई है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है। अगर बात करें हम स्कूल एंड कॉलेजेस की स्टडी की, तो कोई भी कॉन्सेप्ट बच्चों का प्रॉपर क्लियर नहीं होता है, कुछ डाउट्स उनको रह जाते हैं, जिसके लिए उनको फिर ट्यूशंस या कोचिंग्स लेनी पड़ती हैं। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों का शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो अगर बात करूँ मैं हेल्प करवाने की, तो वर्किंग डेज में तो वो मेरी हेल्प नहीं कर पाते हैं, मैं उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर मैं इनकी हेल्प ज़रूर लेती हूँ, और उसमें भी मैं इनको चॉइस देती हूँ कि ये अपनी चॉइस का काम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी जिस काम में इनको खुशी मिलती है अगर ये वो काम करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर करेंगे और प्रोडक्टिव करेंगे। अगर मैं प्रेशराइज करके कोई भी काम इनको दे दूँगी कि आपको ये करना ही करना है, तो वो उतना हैप्पीली उसको नहीं करेंगे, और नेक्स्ट टाइम से भी उसको करने से थोड़ा सा झिझकेंगे। तो मैं इनको चॉइस दे देती हूँ वीकेंड्स पे कि जो भी काम ये करना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, तो उससे ही मेरी हेल्प कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाबीर अहमद। अगर आपको हस्बैंड और जैस्मिन में से एक को चूज करना हो तो कौन? वेरी नाइस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस मत पूछा करो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर तो नहीं होता है, किसी के पास भी नहीं होगा। अगर मैं किसी को भी पूछूंगी, मैंने अगर इसको मैं पूछूंगी अगर मम्मा पापा में से आपको चूज करना हो तो आप क्या जवाब दोगे, तो इसके पास भी कोई आंसर नहीं होगा। तो एक्चुअली ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देना ही पड़े तो यस, वैसे तो ये क्वेश्चन का आंसर खतरे से खाली नहीं है पर फिर भी अगर मुझे देना ही पड़े तो या आई विल गो विद माई हस्बैंड, मैं उनको ही चूज करूंगी, बिकॉज ही इज माई लाइफ पार्टनर। और बच्चे वैसे भी, बेटी हो या बेटा हो, उनकी अपनी एक लाइफ होती है, अंकल को ये अपना करियर बनाएंगे, अपना लाइफ पार्टनर चूज करेंगे तो उनके साथ सेटल हो जाएंगे, तो मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड ही बचेंगे, उनको ही चूज करूंगी। सॉरी बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवाथी विने। हाय, आई लाइक योर ब्लॉग्स एंड यू हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद योर मिल, प्लीज लेट मी नो द सीक्रेट, आज ऑल्सो ज्वाइंट फैमिली। सो आप जानना चाहते हैं रिलेशनशिप का सीक्रेट मेरे और मेरे मदर इन लॉ के बीच में। टू लिव हैप्पीली इन अ जॉइंट फैमिली यू शुड हैव अ गुड स्टेट ऑफ माइंड, बिकॉज आफ्टर मैरिज आपको कितने लोगों के नेचर को समझना पड़ता है और पेशेंटली उनको डील भी करना पड़ता है। बट इट्स नॉट अ वन पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी फैमिली की ड्यूटी है कि एक दूसरे के नेगेटिव पॉजिटिव को समझें। अगर मैं अपने मदर इन लॉ की बात करूँ तो शी इज़ अ वेरी गुड नेचर लेडी, कभी भी किसी काम को लेकर, घर के काम को लेकर हमारे में कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों ही एक्टिव रहना पसंद करती हैं। बाकी गलत को गलत और सही को सही कहना मैंने सीखा है, मैं कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट नहीं करती हूँ और ना ही कभी किसी को अपनी फीलिंग्स को हर्ट करने देती हूँ। तो रिस्पेक्ट करें सबकी, लेकिन जहाँ पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत हो वहाँ पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महजबीन शेख। हाय न्यू सब्सक्राइबर, जब आपके बच्चे स्मॉल थे केजी प्री नर्सरी या फर्स्ट में, तब आप अपने आप को किस तरह वक्त दे सकते हैं? टू क्वेश्चंस हियर, आई एम 5-year-old boy एंड 2-year-old girl मॉम, पूरा दिन पता नहीं कहाँ चला जाता है, मैं अपने आप पे ध्यान नहीं दे सकती किचन और घर के काम में, सेकेंड वेट लूज में 1 week में पूरा ध्यान देती हूँ, वीकेंड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, क्या किया जाए प्लीज़ हेल्प मी, मैं एक पढ़ी लिखी गर्ल हूँ, मुझे सब समझ आता है लेकिन बच्चे बिजी बहुत कर देते हैं, आप अपने किड्स स्मॉल थे तब कैसे रहती हैं प्लीज़ बताएं, और वेट लूज में अपना ध्यान कैसे लगा रख सकते हैं, डिलीवरी बैड गेन वेट, और एक बात, मैं कॉलेज में नॉवल बहुत पढ़ती थी लेकिन किड्स बात छोड़ दिया, आपके वीडियो से इंस्पायर होकर अगेन स्टार्ट किया, अब गुड फील हो रहा है, आई एम अब्रॉड लिविंग, यहाँ मेरी फैमिली के अलावा सपोर्ट नहीं, ज़्यादा यही डिप्रेशन हो जाता है, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर ब्लॉग्स, लव यू सिस्टर। थैंक्स फॉर दिस क्वेश्चन, एक्चुअली यू नीड नॉट टू गेट डिप्रेस्ड,
इट्स अ फेज ऑफ लाइफ, टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंज हो जाता है. अभी आपके बच्चे छोटे हैं तो आपको उन पे फोकस करना चाहिए, उन पे फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है. इस टाइम जो इन बच्चों का माइंड होता है वो क्ले की तरह होता है, हम जिस भी मोल्ड में उनको डालेंगे वो वैसा ही हो जाता है. जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको आपकी उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो आप इन्हीं दिनों को मिस करेंगे. तो इस पीरियड को भी इंजॉय करें. कहते हैं कि जब बहुत गर्मी होती है तो उसे भी इंजॉय करें, जब बहुत सर्दी होती है तो उसे भी इंजॉय करें, बजाय ये कहने कि बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है, मौसम बहुत बेकार है. सो इंजॉय एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. लेकिन बच्चों की केयर करने के साथ साथ हम अपने आप को भी इग्नोर नहीं कर सकते. हो सकता है कि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं तो बार बार आपको अपना शेड्यूल, काम करने का शेड्यूल या फिर एक्सरसाइज करने का शेड्यूल चेंज करना पड़े अकॉर्डिंग द शेड्यूल ऑफ योर चिल्ड्रन. सो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुरू से ही मेरे इन लॉज मेरे साथ थे जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो चीज़ें इजीली मैनेज हो गई. कोई काम रह जाता था तो मैं कभी वरी नहीं करती थी, लेकिन बच्चों को और अपनी हेल्थ को मैंने कभी इग्नोर नहीं किया. वन एडवाइस फॉर यू, जब आपके बच्चे सो जाते हैं या फिर वो स्कूल में होते हैं तब आप वो काम कर सकती हैं जो आप उनकी प्रेजेंस में नहीं कर सकती. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय रचना श्रीवास्तव. How does Jasmine react on Sundays when you say उठो जैस्मिन 10 बज गए? वो नहीं उठती है 10 बजे कभी भी. ऐसा कभी नहीं होता कि वो 10 बजे उठे. अगर वो रात को 1:30-2 बजे तक भी बैठ के पढ़ रही है और उसे सुबह कॉलेज जाना है तो ऑब्वियसली उसे जल्दी उठना ही पड़ेगा. बट अगर उसे कॉलेज नहीं भी जाना है तो भी वो सीए भी कर रही है, वैसे भी बच्चों को शुरू से जल्दी उठने की ही आदत है. अगर वो रात को 2 बजे भी सोई है तब भी वो सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच में उठ जाती है. और अगर कभी मंथ में एक बार ऐसा हो जाए, लाइक मंथ में एक बार कभी एक दिन ऐसा हो जाए कि मतलब मैं रात को काफ़ी लेट सोई हूँ और काफ़ी रिलैक्स्ड हूँ, काफ़ी फ्री हूँ, तो मैं अगर 9 बजे तक या 9:30 बजे तक मैं सो भी जाऊँ, वैसे बहुत होता नहीं है 9:30 बजे तक, नहीं 9 बजे तक अगर मैं सो भी जाऊँ तो उस समय मैं वैसे भी नहीं सो सकती, क्योंकि शी विल कम इन द रूम एंड शी लाई ऑन मी, वो पूरा मेरे ऊपर आके गिर जाती हैं. एंड देन शी स्टार्ट्स, मेरा पुचड़ा उठानी, चल उठ जा, तूने पढ़ना नहीं है अब, तो मैं नहीं सो सकती. और फिर रिएक्शन क्या होना होता है, फिर रिएक्शन करने का टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता. वो ऊपर होती है, मेरा यही रिएक्शन होता है कि मम्मा आप उठ जाओ मेरे ऊपर से, मैं उठ जाती तो वो क्यों होता है. एक्चुअली मुझे लगता है कि उठी नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि सुबह बच्चे उठ जाते हैं तो घर में एक चहल पहल लग जाती है, रौनक लग जाती है. तो अभी लगता है ऐसे कि बच्चे अगर बेड पे सो रहे हैं तो जाके इनके साथ बात करूं, इनको उठाऊं. इन द सेंस कि मुझे ये नहीं होता कि मुझे इनसे कुछ करवाना होता है उठा के, बस मुझे ये होता है कि रात से बच्चे सोए हुए हैं तो सुबह तक कोई बात नहीं हुई है इनसे, तो इनसे कुछ बात की जाए. तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है व्लॉग विद नेहा. छोटे बच्चे जब जिद करते हैं तो हमें गुस्सा आता है बहुत, कैसे समझाएं छोटे बच्चों को, लाइक 5-year-old girl. देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जो चीज़ उनके लिए सही नहीं होती है उसके लिए हम उनको नो बोल देते हैं. लेकिन जैसे ही वो बच्चा चिल्लाने लगता है, जिद करने लगता है, रोने लगता है, थोड़ी देर में हमारी पेशेंस जो है वो ख़त्म हो जाती है और हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं और हार के हम बोल देते हैं ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, जो कि सिंपली बहुत ही गलत चीज़ है. बच्चा थोड़ी ही देर में ये जान जाता है कि ये उसका वेपन है, यानी कि वो रोएगा चिल्लाएगा तो उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी और इसी चीज़ की वो यूज्ड हो जाता है और इसी को यूज़ करना शुरू कर देता है. देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ज़िद ना करे और वो आपके एक इशारे को समझे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के नो बोलें और सोच समझ के यस बोलें. अगर यस बोल दिया तो फिर उसको पूरा करें, जैसे मैं हमेशा करती हूँ. मैं कभी भी अपने बच्चों को जल्दी प्रॉमिस नहीं करती हूँ, अगर मैं उनको प्रॉमिस कर देती हूँ तो जैसे कैसे करके मैं उसको पूरा करती हूँ. अगर मैंने नो बोल दिया तो उनको पता है कि नो मीन्स नो होता है, तो यही आपको भी अपने बच्चों को सिखाना है ताकि वो समझ जाएं कि नो मीन्स नो होता है और नो यस में चेंज नहीं हो सकता. तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस. और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप #myquestions से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगले क्वेश्चन सेशन में हम उनको इंक्लूड कर लेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. सो टुडे शेप अप योर तो बस ये थे आज के क्वेश्चंस. और अगर फिर भी आपके कोई आपके कोई और अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस रह गए हैं तो आप #मम्मा क्या है